हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं अभय शांडिल्य एक बार फिर से केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं। आशा है कि आप लोगों ने देख रहे होंगे वीडियो को, और रेगुलर देखा कीजिएगा। रेगुलर देखने से क्या होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो बच्चों, पिछले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अफबाव प्रिंसिपल शुरू करेंगे, लेकिन अफबाव प्रिंसिपल से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लेते हैं और वाइटल वाइज पर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आ जाएगा तो अफबाव प्रिंसिपल कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सजाएंगे, तो अफबाव प्रिंसिपल में एनर्जी लेवल पर होगा, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाएगा। तो अफबाव प्रिंसिपल से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद डायरेक्ट हम लोग अफबाव प्रिंसिपल में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े थे के एल एम एन पर इलेक्ट्रॉनिक, पहला ऑर्बिट में, दूसरा में 8, फिर 18, 32, इस तरह से। आज हम लोग पढ़ेंगे और वाइटल वाइज 1s2 2s2 कैसे बनता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा परमाणु का आकार यानी एटम का शेप इस प्रकार से होता है। ये तो कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर आप देख लीजिए। और ये जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट कहते हैं, सेल कहते हैं, और सेल के से शुरू होता है, के एल एम एन ओ पी इस तरह से। तो कहता है के ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट है, एम है, एन है, ओ है, इस तरह से। एन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 8 होता है, एम में 18 होता है, और एन में 32 होता है, इस तरह से 50 होता है ना। इसके बाद ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। के में हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, एस ऑर्बिटल आता है, के में सिर्फ ओनली एस ऑर्बिटल आएगा, एल में एस भी आएगा और पी भी आएगा, एम में एस भी आएगा, पी भी आएगा एंड डी भी आएगा, एन में एस पी डी एफ एन में आएगा, ठीक है, एस पी डी एफ। तो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। के में हमेशा एस, चूंकि के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा सा याद रखिए इसमें कि के एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का मान 0 होता है, पी ऑर्बिटल में एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 1 होता है, डी में एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है, और एफ में एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 होता है। इसके बाद एस ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर पिछला वीडियो देख रहे होंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एसपीडीएफ। और 2, 6, 10, 14 क्यों होता है, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में 4L+2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्वांटम नंबर में बताया था। इसको याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, शुरू से लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 हो या 2 हो, यानी 2 होता है अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो वन आप लिखेंगे, चूंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ऊपर एस के ऊपर जो लिखा हुआ रहेगा वो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करेगा, और नीचे जो वन है ए ऑर्बिट नंबर को इंडिकेट करेगा। दूसरा है हीलियम, हीलियम दो नंबर पर है, 1s क्या होगा 2 होगा क्योंकि s में दो इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी 1s2 क्योंकि दो से अधिक इलेक्ट्रॉन s में नहीं रहेगा, एक खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए दूसरा ऑर्बिटल शुरू होगा, दूसरा ऑर्बिट शुरू होगा स्टूडेंट, और दूसरा में sp है, यानी 2s। और इलेक्ट्रॉन को भी ध्यान में रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही ने आप अरेंज कीजिएगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, आप सिर्फ एक बच रहा है यानी 1, यानी 1s2 2s1 इस तरह से होगा। बेरिलियम को देख लीजिए 4 नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 उसके बाद 2s2 दो और दो 4 हो गया। तो स्टूडेंट इसको नोट किया जाए। अब हम लोग देखते हैं बोरन, बोरन बोरन के नंबर पर है स्टूडेंट, इसका एटॉमिक नंबर 5 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 समाप्त हो गया। दूसरा ऑर्बिट में दो ऑर्बिटल होता आता है s एंड p, यानी 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और दो दो 4, यानी 2p में बच जाएगा जो p में चला जाएगा। कार्बन है 6 नंबर पर है नहीं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p में जितना इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन p में, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। नाइट्रोजन 7 नंबर पर है, 1s2 2s2 2p 3, जब तक 6 नहीं आएगा तब तक आपका चलता रहेगा। यानी ऑक्सीजन 8 नंबर है, 1s2 2s2 2p 4, दो दो 4 4 8। फ्लोरीन 9 नंबर पर है, 1s2 2s2 2p 5, 5 4 9 हो गया। नियोन स्टूडेंट इनर्ट गैस है, कै नंबर पर है 10 नंबर पर है, इसको सजाएंगे 1s2 समाप्त हो गया। अब एल में sp है, यानी 2s2p में देखिए कंप्लीट हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 6 से ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट ऑर्बिटल स्टार्ट होगा। यानी देख लीजिए सोडियम है 11 नंबर पर, 1s2 2s2 2p 6, यानी दूसरा ऑर्बिट में sp आता है, कंप्लीट हो गया, 6 2 8 2 10, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, बचा हुआ है। और तीसरा ऑर्बिट शुरू होता है spd, तीनों आता है, यानी 3s सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। भर दिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है 12 नंबर पर, 1s2 2s2 2p 6, 3s2 क्योंकि 3 में 3s ऑर्बिटल में मैक्सिमम अब इससे ज़्यादा होगा, p ऑर्बिटल आएगा। यानी एल्युमिनियम स्टूडेंट 13 नंबर है, 1s2 2s2 2p 6, 3s2 3p 1, नोट किया जाए स्टूडेंट इसको। ऐसे लहरा के तू रूबरू हो गई, धड़कने बेतहासा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द वैसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया। हो गया स्टूडेंट एल्युमिनियम तक। अब हम लोग देखते हैं सिलिकन, Si 14 नंबर पर है, 1s2 2s2 2p 6, 3s2 3p 2,
दो दो चार छो चार दस चार 14। अब हम लोग आ जाते हैं फास्फोरस 15 नंबर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ठीक है। जब तक 6 नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं फास्फोरस के बाद सल्फर है 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसके बाद क्लोरीन है 17 नंबर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके बाद आर्गन इनर्ट गैस 18 आ गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। इसके बाद स्टूडेंट ये दो एलिमेंट जो है एक्सेप्शनल केस में है, यानी पोटासियम 19 नंबर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 काउंटिंग कर लीजिए। दो दो चार छो चार दस दोबारा छो 18 के बाद डी नहीं आएगा, 4s1 आएगा। ये पोटासियम और कैल्शियम चूंकि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सारा कैरेक्टर एस ब्लॉक से मिलता है ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इस तरह से हम लोग जो है 20 तक बनाएंगे। इसको नोट किया जाए। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, लिख लिए, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक ले तो एलिमेंट जो है एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट था। अब हम लोग देख लेते हैं स्कैडियम, स्कैडियम से डी ब्लॉक एलिमेंट आता है एस सी, इसको स्कैडियम बोलते हैं, 21 नंबर है। इसको सजाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब काउंटिंग कर लीजिए, दो दो चार छो चार दस दोबारा छो 18, यहाँ बच रहा है आपका 3 इलेक्ट्रॉन। और K में S आता है, L में sp आता है, M में sp d आता है, ये 3 और वाइटल आएगा ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 3s2 3p, लेकिन d भी आता है। और d में इलेक्ट्रॉन भरेगा, लेकिन इसके बाद s और वाइटल आना होगा ठीक है, तभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। 3d 1 कर देते हैं और उसके बाद s से फिर स्टार्ट करते हैं 4s2। अब देखिए, दो दो चार छो चार दस दोबारा छो 18 19 दो 21 ठीक है। अब इसी तरह से जब तक डी पूरा नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। यानी एस्कैडियम के बाद टाइटेनियम है 22 नंबर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 उसके बाद यहाँ 3 देके 3s2p6 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद 3d2 4s2। अब काउंटिंग कीजिए, दो दो चार छो चार दस दोबारा छो 18 दो 20 दो 22। यानी डी और वाइटल में इलेक्ट्रॉन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। यानी वैडियम 23 नंबर है। देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। काउंटिंग कीजिए, दो दो चार छो चार दस दोबारा छो 18 21 दो 23। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, क्रोमियम है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
और 3D 4 और 4S 2। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ काउंटिंग कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 4 22 2 24 हो रहा है, लेकिन यहाँ डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और डी में होता है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, होता है कि नहीं। तो कहता है किसी भी ऑर्बिटल में कम से कम हाफ होना चाहिए, यानी एस ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के यानी यहाँ आप 5 कर दीजिए, यानी ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब हम लोग मैग्नीज को देखते हैं, 24 25 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 उसके बाद 4s2। ठीक है, अब जितना इलेक्ट्रॉन आएगा कम से कम 10, थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा, आपको आसान थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। इसके बाद है आयरन 26 नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 6 4s2। काउंटिंग कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 4 6 14 24 2 26। इसके बाद कोवाल्ट ले लीजिए, 27 नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 7 4s2। काउंटिंग कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 8 7 25 25 और 2 27। निकेल है 28 नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 4s2। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच में खाली ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। निकेल के बाद है कॉपर Cu 29 नंबर पर, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ बना देते हैं, है ना। Cu 29 नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 9 4s2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ डी में 9 हो रहा है और 4s2 हो रहा है, यानी डी के बाद ही 4s ऑर्बिटल आता है। तो कहता है नहीं, अगर 9 है तो इसको 10 कीजिए, है ना, तो अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा और यहाँ 1 होगा। इसीलिए इसका डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो होता है वेरिएबल, वैलेंसी वेरिएबल होता है, कॉपर का आयरन का 2 भी होता है 3 भी होता है ना। अब यहाँ देखिए लास्ट है, देख लेते हैं, जिंक 23 नंबर पर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10, यहाँ देखिए 4s2 हो जाता है। इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वाइटल वाइज से कैसे बनता है। इसके बाद भी अगर आपको बनाना है तो आप बनाइए, जो प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में करके भेजिए, अगले क्लास उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया जाएगा। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप समझ गए हैं तो अगले क्लास अफबाव प्रिंसिपल में बताएंगे। अफबाव प्रिंसिपल में कुछ नहीं है, इसी ऑर्बिटल को इनक्रीजिंग ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, बहुत ही आसान है। तो आज पूरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ जो है कमेंट में करके भेजिए, अगले क्लास उसको सॉल्व किया जाएगा। और
इसके बाद जो है वाव प्रिंसिपल आपको आसान होगा। इसी के साथ आज क्लास यहीं तक क्लास ख़त्म करते हैं स्टूडेंट, और अगले क्लास जो है हम लोग वाव प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और बच्चों जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल यानी अब है सांडिल्या चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जाएगा आपको आसानी से अध्ययन करने के लिए मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।